हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। गाइस, हम लोग होली का वीडियो शूट करने आए हैं यहाँ पर। अभी लोकेशन डिसाइड किया जा रहा है, जो जो एक्टर है यहाँ पर उसको समझाया जा रहा है कि कैसे क्या करना है, और अभी देखेंगे क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या समझाया जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या समझाया जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे होता ये है कि तुम लोगों में परेशान है कि कैसे इस बार रंग लगाना है, तो उसी बीच दोनों एक एक आइडिया देता है। ऑलमोस्ट सीन सबको समझा दिया गया है, कैसे क्या करना है, कहाँ पर कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तभी सबसे पूछते हैं किसको कितना समझ में आया है, सबका रिव्यू लेना चाहिए। हम लोग पहले दीपक से पूछते हैं, अभी तुमको समझाया गया सीन? आज ही घंटा समझ में। राहुल से पूछते हैं, राहुल अभी तू सीन सबको समझाया, ठीक है, तेरे हिसाब से अभी कितना परसेंट, मतलब सब समझ गया तेरे हिसाब से? तुम जैसा चाहता था कि हाँ उसको वैसा समझ में आना चाहिए, वो ऐसा करेगा, कैसा लगता है तुमको? ये अंदर की बात है, कोई सुन ना ले, पर ये लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। और भी पूछते हैं, दो एक्टर और भी, उन दोनों से भी पूछते हैं कि क्या समझ में आया। कुछ दोनों लोग पहली बार आए हैं शूट पे। तेरे पास फोन था, स्क्रिप्ट भूल जा, तेरा मन में क्या है? तो पंकज, तुम तो अभी आया है पहली बार ना शूट पे, तो मतलब अभी जितना भी देखा सुना थोड़ा सा ही, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो समझाया जा रहा है कैसा समझ में आ रहा है? समझ तो नहीं आ रहा, कम से कम फिर अभी धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे शायद थोड़ा और। पहली बार आ रहा है? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है इसका। रोहित और भी एक दो बार आ चुके हैं, तो रोहित अभी आया है एक बार, पबजी में आया था ना? आया नहीं, सिर्फ था शायद। ये भी पहली, हाँ भाई, तो ये भी पहली बार ही आया, तो अभी समझ में आया सीन क्या है, क्या करना है? तो समझ आ गया है, करने के बाद समझ में आएगा थोड़ा। ये हमारे मंझे एक्टर हैं, धीरज साहू, मार्क्स उतार। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? मंझे एक्टर। मेरा कैमरा काला हो जाएगा, बंद करके। मंझे एक्टर नहीं है दोस्तों, जो मंझ के निकाल देते हैं ना साइड में कचरा, ये वो एक्टर है। पूछते हैं अभी सीन क्या है, अब क्या करना है, अभी जितना बताया गया उसके हिसाब से स्टोरी तो तुम ही रेडी किया है, तो कैसा मतलब लग रहा है कि हाँ ये होगा वो होगा? तो मेरे को दीपक के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन पंकज कर लेगा, पंकज कर लेगा, रोहित भी कर ही लेगा, रोहित भी कर लेगा, दीपक। तो अभी सीन स्टार्ट होने वाला है, सूट रेडी हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सीन और देखते हैं कैसा एक्टिंग करते हैं ये लोग, जो जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, जैसे कि पंकज, रोहित, ये लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं हमारे सूट पे। और अभी जहां हद तक समझाया गया है, तुम लोग बोल रहे थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो बाकी अब देखते हैं कि कैसा समझ में आता है उन लोगों को। एक बार फिर से सीन अच्छे से समझाया जा रहा है, कैसे क्या करना है, कहाँ पर किसको कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है, इसका बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा, क्योंकि ये सारा काम डायरेक्टर का ही रहता है, कितना हद तक गुस्सा होना है, किस हद तक बोलना है, किस हद तक करना है, तो ये सारा चीज़ डायरेक्टर का ही होता है। तो राहुल, तुम जितना समझा रहा है सबको, जिस एक डायरेक्टर के हिसाब से तुम सब कुछ समझा रहा है सब एक्टर को, तो एक्सपेक्टेशन तेरा क्या है उस सबसे? जो बहुत अच्छा एक्टर है, तो मतलब डायरेक्टर का, हाँ। डायरेक्टर का काम होता है कि किस हिसाब से बोलना है, कितना बोलना है, कितना गुस्सा करना है, कैसे पकड़ना है, ये सब डायरेक्टर समझाता है। तो उस हिसाब से तेरे को जिसको भी समझा रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है उससे कि उसे करे जिस हिसाब से तू सोच रहा है? तो देखते हैं राहुल किस हद तक समझा पाते हैं, कैसे समझा पाते हैं, क्योंकि एज ए डायरेक्टर होने के नाते सब कुछ समझाना पड़ता है उसको, खासकर इसको। तो देखते हैं अभी किस हद तक समझाते हैं, उसके बाद एक्टिंग कैसा होता है इन लोगों का। समझाना स्टार्ट हो गया है फिर से डायरेक्टर, और मंझे एक्टर आ गए, इनको आप बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे, ये उम्मीद है आज ये भी शूट आ गए हैं। तो हम लोगों ने अभी लोकेशन चेंज कर दिया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उस लोकेशन पे, तो उसकी वजह से हम लोग को चेंज करना पड़ा है। ये अब एक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं, वही सीन अभी शूट होने वाला है यहाँ पर। वहाँ पर होने वाला था शूट, पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से कम्फर्ट नहीं हुआ शूट के लिए, तो हम लोग अभी यहाँ आ गए हैं। ये लोकेशन है, ये पेड़ के पास, यहीं पर शूट होगा, देखते हैं कैसा शूट होता है। पूछ रहा का था, लिया कि नहीं लिया? सबसे ज्यादा बड़ा भोसड़ी वाला, सबसे बड़ा बड़ा भोसड़ी वाला, सबसे बड़ा भोसड़ी वाला, चल ठीक है, सबसे बड़ा भोसड़ी वाला। हेलो, चल ठीक है, विकेट मार साफ कर रहे फाइनल फाइनल फाइनल
बहुत ही फनी सीन यहाँ पर शूट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। पता नहीं वीडियो बनेगा तो और कितना मज़ा आने वाला है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, बट जितना आप लोगों ने देखा जो हो रहा था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था। बाकी आगे देखते हैं क्योंकि अभी एक लास्ट सीन है जो वो भी फनी सीन ही है, तो वो भी अभी शूट करने का प्रैक्टिस हो रहा है, रिहर्सल किया जा रहा है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये डे टू है हमारा शूट का होली का स्पेशल वीडियो के लिए। देखिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये हमारे एक्टर है। देखे कलर दिख रहे हैं, ठीक है ना, देखा छोटी सकल देखा। अरे बाप रे, क्यूट का तो अच्छा नहीं लगा, क्यूट को भी लगेगा इधर लगेगा। तो गाइस आज ही क्लाइमेक्स हमारा शूट होने वाला है, देखते हैं आज कंप्लीट होता है कि नहीं। ताली वापस ले, अरे उल्टा वो भी हम तो टक्का वाला है, ठीक है आगे आगे कौन बोलेगा क्या ही बोलना है। हैप्पी बर्थडे भैया, देख रहे हैं आप यहाँ होली बोलने की जगह में बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है होली की जगह। शर्मा ये देखिए, ये कौन सा टूरिया गण मारा गया। सबको साइलेंट, हंसना मेरे को देख के एक्शन।